हेलो दोस्तों, गया साइट के आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाने ले आए हैं ब्रह्मयोनी पहाड़, जो कि गया जिला में मंगला गौरी और बाईपास के नजदीक है। ये पर्वत जितना हिंदू धर्म के लिए महत्व रखता है, उतना ही महत्व बौद्धों के लिए भी रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में सबसे पहले हमें बजरंग बली जी का दर्शन होता है। बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त कर हम ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें लगभग 425 सीढ़ियां चढ़ना होता है। यहां से हमें ढूंगेश्वरी का पहाड़ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। ये उसका सिर है, ये गर्दन, ये धड़ और ये पैर, आपको लग रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कुछ दूर और चढ़ने के बाद हमें एक बैनर दिख जाता है जिसमें गया सीसा स्तूप जाने का रास्ता बताया हुआ है, तो हम भी इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें बौद्धों को समर्पित एक सुंदर और आकर्षक स्तूपा दिख जाता है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। स्तूप के समीप हमें एक पद चिन्ह दिखता है। शायद यह पद चिन्ह गौतम बुद्ध जी का हो सकता है। यदि आपको इस बात की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध अग्नि उपदेश का पाठ पढ़ाते थे। यहां भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। पहाड़ के ऊपर हमें और भी चढ़ाई करना बाकी है, इसीलिए हम यहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर और चढ़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि यहां से गया शहर काफी सुंदर और काफी क्षेत्र में फैला हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ने पर हमें एक कुआं जैसा कुछ दिखता है जिसमें एक पतली सीढ़ी बना हुआ है। हम लोग डरते डरते इस पर उतर कर देखते हैं, हमें काफी मजा आता है। फिर हम वहां से बाहर निकल जाते हैं और पहाड़ के सबसे टॉप पर पहुंचते हैं। वहां हम महादेव जी का दर्शन पाते हैं। पहाड़ के सबसे ऊपर एक छोटा बाजार हमें दिखता है जहां हम पूजन सामग्री जैसी कुछ जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही यहां रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी मिलता है। फिर हम गन्ने की जूस पीकर खुद को रिचार्ज करते हैं। अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और फिर यहां के पुजारी जी से यहां के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए हमारे साथ चलते हैं पुजारी बाबा के पास। ये पहाड़ का नाम ब्रह्मानी पहाड़ है। ये पुष्कर का उपतीर्थ है। माता सावित्री है, माता के पांच मुड़ी है, सावित्री, गायत्री, सरस्वती, श्रद्धा, मेधा। ये ब्रह्मा जी के चरण है, ब्रह्मा जी के चरण है। और एक ब्रह्मजोनी गुफा है, उसको पार होने से 84 लाख जोनी से मुक्ति मिलता है जाकर के ब्रह्मजोनी। जियाजी राव सिंधिया का ग्वालियर स्टेट के थे, उनका बनाया हुआ सीढ़ी है 1704 में। यहाँ पिंडदान नहीं होता, यहाँ दर्शन का लाभ है। वही गुफा है, ब्रह्मानी गुफा, और माता का दर्शन है। यहाँ पिंडदान नहीं, दर्शन का, दर्शन का लाभ होता है। मोक्ष धाम बोलते हैं उसको, पार होने से आवागमन से मुक्ति मिलता है। आइए अब आपको ब्रह्मयोनी गुफा दिखाते हैं जिसका जिक्र अभी अभी बाबा ने किया। माना जाता है कि इस गुफा में प्रवेश कर पार करने से कई कष्टों से निवारण होता है, तो इस गुफा में हम लोगों ने भी प्रवेश किया। चलिए अब आपको पहाड़ और इसके आसपास का सुंदर दृश्य दिखाते हैं। अब हम लोग घर की ओर वापस जाने वाले होते हैं।
तब देखते हैं कि लोगों की भीड़ तो अब आ रही है। यदि आप भी यहां नहीं घूमे हैं तो एक बार जरूर आइए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला वीडियो मगध क्षेत्र में कहां का देखना चाहते हैं यह भी बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।